नमस्कार दोस्तों, जायका स्पेशल में एक बार फिर से स्वागत है एक नई रेसिपी के साथ में। तो आज लेके आई हूँ मैं गार्लिक ब्रेड की रेसिपी, जो आप सबको बहुत ही पसंद आएगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ पे हमने 4 से 5 ब्रेड का इस्तेमाल किया है, ब्रेड के स्लाइस का। और यहाँ पे हमने 15 से 20 कली लहसुन कलियाँ जिसे चॉप कर लिया है हमने। और फिर यहाँ पे 2 से 3 चम्मच हमने बटर का इस्तेमाल किया है। तो बटर को मेल्ट करके बिल्कुल भी इसमें नहीं इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह से हमें इस्तेमाल करना है। जैसे फ्रिज में आप रखे हो या फ्रिज से बाहर थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, फिर इस्तेमाल कर सकते हो। चिली फ्लेक्स लेंगे। फिर यहाँ पे हमने मिक्स हर्ब्स का इस्तेमाल किया है और धनिया पत्ती इसमें ऐड करेंगे। फिर इसे अच्छे से ना काफ़ी अच्छे से इस तरह से मसलते हुए ना मिक्स कर लीजिएगा। तो बहुत आसान तरीका है बनाने का। और यहाँ पे ब्रेड के स्लाइस को भी हमने ले लिया है और जो हमने गार्लिक बना के रखा था ना उसे ब्रेड पे स्प्रेड कर देंगे, यानी कि अच्छे से फैला लेंगे। इस तरह से काफ़ी अच्छे से इसे फैला लेना है। तो इस तरह से सारे ब्रेड को मैं यहाँ पे इसी तरह से फैला के रखने वाली हूँ। तो आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। फिर पैन में बटर डालकर इसे हमें अच्छे से मेल्ट कर लेना है और ब्रेड को रख के इसे हमें सेक लेना है। तो इस तरह से देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ये मेल्ट हो गया है बटर जो है, और ब्रेड को डालकर, और हम बस पलट के सेकना नहीं है इसे, दोनों तरफ एक ही साइड इसे सेका जाता है ढक कर। 1 से 2 मिनट के लिए इसे आपको ढक कर इस तरह से सेकना है। तो एक ब्रेड जो था वो थोड़ा सा टूट गया था तो इसीलिए मैं उसे नहीं डाली हूँ। और फिर इसमें मैंने यहाँ पर चीज़ डाला है। चीज़ का इस्तेमाल आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ढककर, यहाँ पे देख सकते हैं कि फिर इसे चीज़ डालने के बाद ना ढककर 1 से 2 मिनट के लिए पकाने वाली हूँ। तो ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा दिख रहा है, वाह बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, एकदम क्रिस्पी बनता है, बहुत ही बढ़िया बनता है। बिना ओवन का ही आप इस तरह से ना गार्लिक ब्रेड घर पे ही बना सकते हो, जो खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। और यहाँ पे मैं सर्व करके आपको दिखा रही हूँ, मनपसंद चटनी के साथ, चाय के साथ, या फिर इसी तरह से भी इसे इंजॉय आराम से आप कर सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पे मैं ट्राई करके भी आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार लगता है खाने में। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर से इसी तरह से कुछ नई रेसिपी के साथ में मैं आपके साथ में लेके आऊँगी आपके लिए। तो इसी तरह से आप इंजॉय करके इसे ट्राई कीजिए। फिर से मिलती हूँ, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।